हेलो दोस्तों, क्या आप जानना चाहते हैं कि आपके ग्राम सभा में कितनी जमीन अभी खाली पड़ी है? दोस्तों, हर ग्राम सभा में कुछ ना कुछ जमीन बंजर ऊसर नवीन प्रति के रूप में खाली रहती है। तो दोस्तों, ये जानने के लिए आप हमारे इस वीडियो को देखते रहिए। और आगे बढ़ने से पहले एक छोटा सा रिक्वेस्ट, यदि आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि दोस्तों सब्सक्राइब करना बिल्कुल फ्री है। और बगल में आ रहे घंटे वाले बटन को दबाना बिल्कुल ना भूलिए, क्योंकि इससे होगा ये कि हम जो भी मोबाइल इंटरनेट संबंधी वीडियो अपने चैनल पर अपलोड करेंगे तो उसकी नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगी। तो चलिए दोस्तों, हम ये वीडियो शुरू करते हैं। तो दोस्तों, इसके लिए सबसे पहले आप कोई ब्राउज़र ओपन कर लीजिए। तो चलिए दोस्तों, हम एक अपना क्रोम ब्राउज़र ओपन कर लेते हैं। और दोस्तों, यहाँ गूगल में हम सर्च करेंगे भूलेख। दोस्तों, इस वेबसाइट की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी और वहाँ से सीधे टाइप करके आप इस वेबसाइट पर आ सकते हैं। तो दोस्तों देखिए, यहाँ पर upbhulekh.gov.in लिखा है, इस पर हम टाइप कर देते हैं। दोस्तों, अगर आप दूसरे राज्य से हैं तो आप अपने राज्य की भूलेख की वेबसाइट पर जाकर सेम प्रक्रिया इसी प्रकार से चेक कर सकते हैं। तो दोस्तों, हम उत्तर प्रदेश की वेबसाइट से बता रहे हैं आपको, इसी प्रकार से आप दूसरे स्टेट का भी चेक कर सकते हैं। तो दोस्तों, इस प्रकार से वेबसाइट खुल जाएगी। उसके बाद आपको नीचे आना है, जहाँ पर लिखा है खतौनी की नकल देखें, आपको इस पर सीधे टैच कर देना है। टैच करने के बाद दोस्तों, आपको एक कैप्चा कोड यहाँ पर एंटर करना पड़ेगा। आप यहाँ देख लीजिए, ध्यान से इसे एंटर कर दीजिए। तो दोस्तों, हमने कैप्चा कोड एंटर कर दिया। उसके बाद सबमिट पर क्लिक करते हैं। सबमिट पर क्लिक करने के बाद आपको इस प्रकार से खुल दिखाई देगा। आपको अब दोस्तों, चूंकि आपको अपने ग्राम सभा की जीएस या जीएस जमीन का पता लगाना है, ऊसर या बंजर जमीन का पता लगाना है, आपके ग्राम सभा में कितनी ज़मीन खाली है, तो सबसे पहले आप अपने ज़िला सिलेक्ट कर लीजिए। दोस्तों, जैसे हम कोई ज़िला एक सिलेक्ट कर लेते हैं, जैसे हमने अमेठी सिलेक्ट कर लिया। उसके बाद दोस्तों, आप अपनी तहसील सिलेक्ट कर लीजिए, जैसे हम कोई भी तहसील सिलेक्ट कर लेते हैं, जैसे गौरीगंज सिलेक्ट कर लेते हैं। उसके बाद दोस्तों, यहाँ से कोई भी एक अपना ग्राम सभा, यहाँ पर कोई भी किसी का ग्राम सभा सिलेक्ट कर लेते हैं। आपको अपना ग्राम सभा सिलेक्ट करना है, जैसे हमने अलीपुर सिलेक्ट कर लिया। उसके बाद दोस्तों, आपको सीधा ऊपर आ जाना है। ऊपर यहाँ पर आप देखिए, खातेदार के नाम द्वारा खोजें, आपको सीधे इस पर टच कर देना है। उसके बाद दोस्तों, यहाँ पर आपको लिखना है, जहाँ पर लिखा है नाम के कुछ अक्षर भरे हैं, यहाँ पर आपको टाइप कर देना है। क्योंकि आपको बंजर पता करना है तो आप बंजर लिखिए यहाँ पर। तो जैसे हमने यहाँ बंजर लिख दिया, उसके बाद खोजें पर क्लिक करते हैं। ये देखिए दोस्तों, यहाँ पर दो नंबरों में बंजर बंजर करके आ गया। अब हम किसी एक को पहले खोल कर देख लेते हैं। उद्धरण देखने पर हम क्लिक करेंगे। उसके बाद देखिए दोस्तों, इस पूरे ग्राम सभा में आपको बंजर कितना है, यहाँ पर आप देख सकते हैं। जो कि ऊपर आप देखिए, यहाँ पर खाता संख्या लिखा हुआ है और यहाँ पर सभी खसरा संख्या लिखा हुआ है, कितनी खसरा संख्या में कितना ज़मीन खाली है आपको दिखाई दे रही है। यहाँ पर टोटल देखिए, 6 गाटा में कुल मिलाकर इतने हेक्टेयर ज़मीन खाली बंजर है इस ग्राम सभा में। तो इसी प्रकार से दोस्तों, जैसे आपने बंजर लिखकर सर्च किया, आपको वहाँ पर ऊसर लिखना है या फिर नवीन प्रति लिखना है, जो भी लिखना चाहते हैं वो लिखकर यहाँ से आप सर्च कर लीजिए और वो पूरी पूरी ज़मीन आपके सामने यहाँ पर दिखाई देगी। तो आप इस प्रकार से अपने ग्राम सभा में कितनी ज़मीन खाली है आप इसे आसानी से जान सकते हैं। तो दोस्तों, अगर आप किसी अन्य राज्य से हैं, आपके ना समझ में आया हो, तो प्लीज़ कमेंट करके बताइए हमें आपकी, हम पूरी तरह से मदद करेंगे। दोस्तों, आपको ये वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इसे लाइक करना ना भूलिएगा। दोस्तों, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना भी ना भूलिएगा। तो दोस्तों, मिलते हैं हम दूसरे वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार दोस्तों।